है दांत का उल्टा चश्मा। लाइए मैं आपको चेक कर लेता हूँ। आप जाइए मैम, आप आइए। और कहीं जगह पे लगाया नहीं ना? मैं इसके लिए दवाई लिख लेता हूँ, आप आइए। बेटा तुम आ जाओ। शर्मा जी, मैं आपको एक मलम लिख के देता हूँ, आपको वो मलम 10 दिन रोज लगाना है, जिससे आप लोगों का दर्द ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब। आपको 10 दिन आराम करना है और ये मलम एक दूसरे को लगाना है। थैंक यू डॉक्टर साहब, लेकिन जिसकी दवाई हमें चाहिए थी वो तो आपने दी नहीं। मतलब? दरअसल हम तीनों को फीवर है, उसी की दवाई लेने आपके घर आ रहे थे तो रास्ते में फिसल के गिर गई और चोट लग गई। ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। You mean to say आप हमारी सोसाइटी में गिर गए? हंस, इनसे पहले जो पेशेंट आए थे वो भी हमारी सोसाइटी में गिरे थे। और ये तीनों भी, मतलब हमारी सोसाइटी के फर्श पे जबरदस्त फिसलन हुई है। सही बात है। आइए आप लोगों को मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। बेटा इनका ये टेम्परेचर चेक करो। देखिए आप लोगों को वायरल फीवर हुआ है, मैं दवाई दे देता हूँ। बोल बेटा इन्हें वो वायरल फीवर की दवाई दे देना और साथ में पेन किलर भी दे दो। यस डॉक्टर। दवाई। वेरी गुड। शर्मा जी ये वाली दवाइयाँ आप दोनों के लिए है और ये वाली आपके बेटे के लिए। इसे सुबह दोपहर रात खाना खाने के बाद खाना है। और ये एक मलम लिख के दिया है जो मेडिकल से ले लेना, आप तीनों को लगाना है। ये आपकी फीस। थैंक यू अंकल। मुझे दवाई नहीं चाहिए, मुझे कड़वी दवाई नहीं अच्छी लगती। चॉकलेट पसंद है? हाँ। तो इसे चॉकलेट समझ के खा लो। दवाई तो कड़वी होती है और चॉकलेट तो मीठी होती है ना। अगर तुम मन में सोचोगे कि ये चॉकलेट है तो ये तुम्हें चॉकलेट ही लगेगी। और दूसरी बात, दवाई को डायरेक्ट निगल जाओ। हमारी जुबान कुछ सोचे उससे पहले गोली पेट में निकल जानी चाहिए। हाँ ऐसे डिचक्या हूं बोलो, और गोली सीधे पेट के अंदर। देखा ऐसे? ठीक है अंकल। देखो जाते वक्त ध्यान रखना, आप तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आराम से जाइएगा। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब। वो क्या है ना कि बारिश के बाद फर्श थोड़ा स्लिपरी हो जाता है, एक एक कदम संभाल के रखना पड़ता है। वैसे आपकी सोसाइटी के सेक्रेटरी सफाई नहीं करवा सकते? आते जाते सोसाइटी पे वो फिसलते, ऊपर से वो फिसलने पर सू बिचारे के संभल कर। हाँ संभल कर, उनको मजा आता है क्या? ये तो हम वर्षों से आपकी दवाई ले रहे हैं और आप जैसे अच्छे डॉक्टर इस सोसाइटी में रहते हैं, वरना हम इस सोसाइटी में आते ही नहीं। देखिए शर्मा जी, आप लोगों को जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। हाँ सॉरी। और मैं हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात करूंगा और फर्श क्लीन कराऊंगा। हाँ हाँ जल्दी ठीक करवाइए। सॉरी शर्मा फैमिली। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आराम से ध्यान रखना।
ठीक है बेटा, ठीक है भाई। कमाल है पापा, हमारे सोसाइटी में इतनी फिसलन हो गई है और हम में से किसी का ध्यान ही नहीं गया। बेटा बारिश के बाद अक्सर ऐसा होता है, हमें एक एक कदम संभल के रखना चाहिए, हमारी नजर ऐसे जमीन पर होनी चाहिए। हाँ करेक्ट, और चलते वक्त हमारा पूरा वजन पैर पे रख के सही तरीके से पैर उठाकर चलना चाहिए। कोमल मैं बाहर जाके चेक करता हूँ कि वहाँ पे कितनी काई जमी है, और भिड़े मास्टर को कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए वरना और कितने लोग गिरेंगे। हाँ और हाँ कोमल, अगर चाचा जी आए ना तो उन्हें बिठाना। हाँ हाँ हंस संभल कर जाना। कोमल मैं डॉक्टर हूँ। पर काई को तो नहीं पता है ना। कोमल चलो मैं जाकर आता हूँ। हाँ नाइस जॉब, थैंक यू, आई एम इम्प्रेस्ड। ऑलवेज अ रॉकस्टार। समोसा खाओगे थोड़ा?